असलम द सीरीज़ ऑफ़ डेटा कम्युनिकेशन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर 51 वन सो लेट स्टार्ट अच्छा अब सबसे पहले आपके पास नेटवर्क परफॉर्मेंस अब नेटवर्क परफॉर्मेंस बेसिकली क्या है कि कोई भी नेटवर्क जो है वो परफॉर्म कैसे कर रहा है अब डेटा कम्युनिकेशन में जब हम किसी नेटवर्क की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जो है वो आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं कि उसकी बैंडविड्थ क्या है उसका थ्रूपुट क्या है और उसकी लेटेंसी यानी कि डिले क्या है तो अब इन तीनों फैक्टर्स को जो है वो हम डिटेल में देखते हैं ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेसिस पर हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं ये पता लगा सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो नेटवर्क है वो कितना अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर रहा है उसमें क्या ग्लिच आ रहा है क्या उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं ठीक है थीके? सबसे पहले आपके पास बैंडविड बैंडविड्थ को हम पहले भी वैसे प्रीवियस कुछ मॉड्यूल्स में डिस्कस कर चुके हैं बैंडविड्थ बेसिकली क्या है कि हम इसको दो डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स में जो है वो स्टडी कर सकते हैं या तो उसको हर्ट्स में कर सकते हैं और या फिर बिट्स पर सेकंड में लेकिन वहाँ पर जाने से पहले एक बात जो आप लोगों ने गौर से देखनी है वो ये कि जो बैंडविड्थ सब्सक्राइबर लाइन की होती है ना वो होती है फ़ोर किलो हर्ड्स फ़ॉर अ वॉइस डेटा चैनल ठीक है तो ये अक्सर एम सी क्यू में आ जाता है कि किसी वॉइस डेटा चैनल जो है उसकी बैंडविड्थ बैंडविड्थ क्या होती है सब्सक्राइबर uh, लाइन की तो फोर किलो हर्ड्स इज़ इट्स आंसर और uh, इसके अलावा डेटा ट्रांसमिशन के लिए अगर हम इसको देखें तो लाइक फोर किलो हर्ड्स को बिट्स पर सेकंड के हिसाब से अगर हम देखें क्योंकि बैंडविड्थ को दो कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्ट में स्टडी कर सकते हैं ना तो या तो फोर किलो हर्ड्स या फिफ्टी सिक्स थाउजेंड बिट्स पर सेकेंड तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं डिपेंड्स ऑन योर सी क्यू या जो भी आपको क्वेश्चन आया होगा हो अच्छा आप बैंड कुछ जिन दो कॉन्टेक्स्ट्स में स्टडी कर सकते हैं एक तो है हर्ट्स अगर हर्ट्स में हम मैयर कर रहे हैं उसको तो इट मीन्स कि रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज इन अंपोजट सिग्नल एक मल्टीपल अगर साइन वेव सिग्नल है और उसमें क्या रेंज चल रही है फ्रीक्वेंसीज की तो वो बेसिकली हमें बैंडविड्थ देगी किसमें हर्ट्स में और इसी तरह अगर बैंडविड इन बिट्स पर सेकंड को हम डील कर रहे हैं तो इट मींस कि नंबर ऑफ बिट्स आ चैनल, और चैनल लिंक और नेटवर्क इन ट्रांसमिट के कितनी बिट्स कोई चैनल कोई ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है फ्रॉम सेंडिंग एंड टू तो रिसीविंग एंड तो वो बेसिकली बैंडविड्थ है ठीक है अच्छा अब बात आ गई थ्रूपुट की अब थ्रूपुट अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेटवर्क परफॉर्मेंस अब ये कैसे डिफर करता है बैंडविड से बैंडविड से क्या सेम है इसमें और क्या नहीं वो हम देखते हैं देखें सेम तो ये है कि दोनों नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बेसिकली बता रहे हैं ठीक है अच्छा अब थ्रूपुट क्या है मेयर ऑफ हाउ फास्ट कैन वी एक्चुअली सेंड द डेटा थ्रू अर नेटवर्क के किसी नेटवर्क भी कितनी फास्ट uh, कितना फास्ट fast, कितनी फास्टनेस से जो है वो हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं वो थ्रू है ठीक है बैंडविड्थ क्या है कि कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और थ्रू है कि कितना फास्टली जो है वो हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं और हमेशा यहाँ पे आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जो आपके पास थ्रू है ना उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होगी किससे बैंडविड्थ से अच्छा अब यहाँ पे देखें कि ट्वेल्व थाउजेंड फ्रेम्स थे ठीक है ठीके? और उसके अलावा टेन मेगाबिट्स पर सेकंड इसकी बैंडविड्थ है बैंडविड तो पहले उन्होंने बताई है वो आपने लिख ली बैंडविड्थ इस टेन मीटर पर टेन मेगाबिट्स पर सेकेंड अब आपने क्या करना है कि इसकी थ्रूपुट फाइंड करनी है तो ट्वेल्व थाउजेंड को मल्टीप्लाई uh, किया टेन थाउजेंड जितनी वो बिट्स लेके जा रहा था उससे और डिवाइड कर दिया पर मिनट था ना तो लाइक वन मिनट में सिक्सटी सेकेंड है तो डिवाइड किया तो आपके पास थ्रूपुट का ओवरऑल आंसर आ गया टू मेगा बिट्स पर सेकेंड तो देखें थ्रूपुट इज़ लेस देन बैंडविट और हमेशा आपको यही केस नजर आएगा कि थ्रूपुट जो है दैट विल ऑलवेज भी लेस देन बैंडविट और ये दोनों सेम जो फैक्टर्स हैं वो नहीं है बैंडविट्स होता है कि कितना डेटा लेके जा रहा है ट्रांसमिशन मीडियम फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड और थ्रू होता है कि कितना फास्टली लेके जा रहा है ठीक है उसके बाद बात आ गई लेटेंसी की लेटेंसी और डिले डिफाइंस हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर एन एंटायर मैसेज टू कम्प्लीटली अराइव एट द डेस्टिनेशन फ्राम द टाइम फर्स्ट वट इज़ सेंट आउट फ्राम द सोर्स कि अगर एक मैसेज है वो काफ़ी सारी बिट्स से कंपोज हुआ हुआ बना हुआ है ठीक है तो फर्स्ट बीट जब सोर्स से लाइक इमिट हुई निकली और वो अब चैनल के थ्रू जो है वो लाइक डेस्टिनेशन पे जा रही है तो उस फर्स्ट बीट के वहाँ से सेंट आउट होने से लेकर पूरे मैसेज के वहाँ डिलीवर होने तक कितना टाइम लग रहा है कितनी टाइम ड्यूरेशन लग रही है तो दैट इज़ बेसिकली लेटेंसी या इसको डिले कहते हैं ठीक है थेके? अच्छा अब थ्रूपुट वो बेसिकली जो लेटेंसी है उसको हम फोर कंपोनेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर सकते हैं एक आपके पास होता है प्रोपोगेशन टाइम एक ट्रांसमिशन टाइम एक क्यूइंग टाइम एंड एक होता है आपके पास प्रोसेसिंग डिले तो अगर इन सबको प्लस करें ना इन सबको एड ऑन करें तो आपके पास लेटेंसी टोटल आ जाती है ठीक है अब प्रोपोगेशन टाइम कैसे लाइक uh, कैलकुलेट like करते हैं मैर करते हैं डिस्टेंस को आपने स्पीड से डी बाई वी टाइम का जो हमने एफ एस में मेट्रिक में फॉर्मूला पढ़ा था कि टी इज इक्वल टू डी बाई वी तो सिंपल प्रोवोकेशन टाइम का तो वैसे ही करते हैं ठीक है अब ट्रांसमिशन टाइम की बात आ गई अब मैसेज का जो साइज दिया होगा उसको बैंडविड्थ से अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ट्रांसमिशन टाइम आ जाएगा क्यूइंग टाइम जो है बेसिकली वो आपके पास क्या है कि टाइम द मैसेजेस हेल्ड के कितना टाइम जो है वो एक मैसेज लाइक वेट कर रहा है दूसरे मैसेज कि कंप्लीट होने का फिर वो जब दूसरा पहला डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा फिर दूसरा जब अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा एंड ऑल दैट अब आपने यहाँ पे प्रोपोगेशन टाइम फाइंड करना था तो वो हमने कैसे किया कि आपके पास ट्वेल्व थाउजेंड डिस्टेंस था ठीक है और ये किलोमीटर्स में था ना तो इसको मीटर्स में करने के लिए यहाँ थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया हुआ ठीक है और इसको डिवाइड आपने स्पीड से कर दिया जो आपको गिवन है और आपके पास आंसर जो है वो प्रोपोगेशन टाइम का आ गया फिफ्टी मिली अच्छा अब नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट बैंडविड्थ Uh, yeah, अलग चीज़ है डिले या लिटेंसी अलग चीज़ है लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दें तो दैट विल बी बे अ बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट और ये बेसिकली क्या करता है डिफाइंस द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल अ लिंक कि कोई भी लिंक है कोई चैनल है कोई ट्रांसमिशन मीडिया है उसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो एट अ सिंगल टाइम ट्रांसमिट कर सकते हैं या एक लिंक कितने बिट्स से फिल हो सकता है वो बैंड डिले प्रोडक्ट है अब देखें जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लिंक है पूरा लाइक ये सेंडर है और ये रिसीवर है आपके पास तो यहाँ सेंडर से लेकर रिसीवर तक का जितना भी डिस्टेंस है वो एक लिंक बन लिंक ही है बेसिकली चैनल है मीडियम है तो अब हम देखते हैं कि उसकी बैंड डिले प्रोडक्ट क्या है तो देखें ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर लास्ट से हम काउंट करें तो ये फर्स्ट बीट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब फाइव बीट्स हैं टोटल ठीक है तो इसमें क्या होगा कि बैंडविड्थ और डिले अब डिले कितना था लाइक फाइव सेकंड्स ये देखें वन सेकंड टू सेकंड थ्री फाइव अप टू फाइव सेकंड्स और बैंडविड्थ आपके पास है वन बिट्स पर सेकंड अब वो कैसे पता चल रही है यहाँ पर लिखा है ना वन सेकंड वन सेकंड के हर सेकंड में एक एक बिट जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फाइव वन इज़ फाइव और आपके पास बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट जो है वो फाइव uh, आ गई ठीक है अच्छा इसी तरह ये वाली भी जो है वो सेम है और इसका यूनिट बिट्स होता है अच्छा अब बेसिकली बैंडविड्स डिले प्रोडक्ट जो है डिले होता है लेंथ पूरी ट्रांसमिशन मीडियम की लिंक की ठीक है और जो उसकी बैंडविड्स होती है वो उसका क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ठीक है तो बेसिकली अगर हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रॉस सेक्शन और क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है तो इट मीन्स एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा हो रहा होता है किसे बैंड डिले प्रोडक्ट से अच्छा नेक्स्ट अब आपके पास आ गया जिटर जिटर इज़ अ प्रॉब्लम इफ डिफरेंट पैकेट्स ऑफ़ डेटा इनकाउंटर डिफरेंट डिलेज एंड यूजिंग द डेटा एट द रिसीवर साइट इज टाइम सेंसिटिव ऑडियो एंड वीडियो डेटा फॉर एग्जाम्पल अच्छा अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक डेटा है वो फाइव बिट्स से बना हुआ है टेन बिट्स से बना हुआ है तो क्या होता है कि एक बिट जो है वो जाने में फाइव सेकेंड्स लगा रही है फिर अगली जो है वो फोर्टी सेकेंड्स लगा रही है दैन थर्ड जो है वो फिर फोर सेकेंड लगा रही है तो मतलब कोई एक एग्जैक्टली exactly पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा तो हम कहेंगे कि जिटर का प्रॉब्लम आ रहा है और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब तो हमें ज़्यादा लाइक प्रॉब्लमेटिक लग रही होती है इशू क्रिएट कर रही होती है कब जब रिसीविंग साइट जो है वो टाइम सेंसिटिव हो जैसे कोई ऑडियो या वीडियो तो देखें ऑडियो वीडियो जो है वो अगर फ्लो से चलती रहें या कॉन्टिगूसली जो है वो चलती रहें तो हमारा डेटा स्मूदली हम कहते हैं कि ट्रांसमिट हो गया लेकिन ख़ुद अगर हम इमेजिन करें कि लाइक जिटर का अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि डिफरेंट डेटा बिट्स जो हैं वो अलग अलग टाइम पर रही है तो जो भी आपके पास वीडियो है या वो ऑडियो है वो उसमें एरर आ जाएगा ठीक है उसमें ग्लिच आ जाएंगे तो दैट इज़ बेसिकली अ जिटर उसके बाद डिजिटल टू डिजिटल डिजिटल टू डिजिटल कन्वरियंस अब इसमें डिजिटल ट्रांसमिशन की सबसे पहले बात करते हैं अब ये सारा टॉपिक जो है वो काफ़ी डिटेल में आपके कॉन्टेक्ट में आगे सिलेबस में सबसे पहले बात करनी है डिजिटल टू तो डिजिटल कन्वरियन की तो इसकी बेसिकली थ्री टाइप्स हैं लाइन कोडिंग ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रैम्बलिंग और लाइन कोडिंग हमेशा चाहिए होती है ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैबलिंग जो है वो ऑप्शनल है लाइक कभी चाहिए होती हैं और कभी नहीं अब उसके बाद बात आ गई सिग्नल एलिमेंट और डेटा एलिमेंट डेटा एलिमेंट बिट्स होती हैं बेसिकली कि कितना डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है और सिग्नल एलिमेंट जो है वो ये बताता है कि कितने सिग्नल एलिमेंट लाइक कितने सिग्नल के कितने यूनिट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं तो डेटा वो होता है जो कैरी किया जा रहा होता है और सिग्नल एलिमेंट्स वो होते थे जिसको कैरी करके लेके जा रहे होते हैं अब यहाँ पे अगर फर्स्ट डायग्राम देखें तो ये जीरो वन 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 जीरो वन ये डेटा एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री इस तरह से ठीक है और सिग्नल्स ये आपको जो रेड लाइन इस तरह की हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही हैं ये जो हैं वो आपके पास सिग्नल एलिमेंट है तो देखें अगर इस एक डेटा एलिमेंट की ये जो आपके पास है जहाँ पे ज़ीरो इसकी बात करें तो ये एक डेटा एलिमेंट दो सिग्नल एलिमेंट्स में जो है वो जा रहा है इसी तरह यहाँ पे ये वन वन ज़ीरो वन फोर डेटा एलिमेंट्स हैं लेकिन वन टू थ्री थ्री सिग्नल एलिमेंट्स इनको कैरी करके लेके जा रहे हैं ठीक है तो डेटा एलिमेंट को बिट्स में मैयर करते हैं और सिग्नल रेट सिग्नल रेट को बोर्ड्स में या मॉड्यूलेशन रेट या पल्स रेट में इसको हम मैयर कर देते हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे, आई होप इसमें सारा कुछ समझ आ गया होगा अगर कोई क्यूरी रह गई हो, तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन थैंक यू